क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया। मैं भी बढ़िया। तो आपने सुना होगा, हर चीज में एक वस्तु का नाम लेते हैं, ये टी ट्री ऑयल। तो ये क्या है आखिर? इससे होता क्या है? मतलब इसका यूज क्या है? हर चीज में डाला क्यों है इसको? बस यही यही बात मुझे आपको बतानी है आज। पर ये बात मैं आपको बताऊं, उससे पहले मुझे ये पूछना है कि आप सब्सक्राइब करते क्यों नहीं है? अरे यार, करूँ यार। और फिर वो नोटिफिकेशन बेल भी बतानी, उसको नहीं बजाएंगे तो पता ही चलेगा आ गई अपना वो लेके। तो प्लीज क्लिक इट एंड लेट्स बिगिन। सो ये टी ट्री ऑयल बनता कैसे है? मैलिक्यूलर ऑयल भी बोलते हैं इसको। और इसको पता है, ऑस्ट्रेलियन टी ट्री होता है, उसके लीव्स को ग्राइंड करके एसेंशियल ऑयल बनाते हैं। और इसके ये बेनिफिट्स हैं कि आप इसको कोल्ड कॉफ के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, इसको कई सारे बैक्टीरिया और फंगाई मारने के लिए भी बेनिफिशियल माना गया है। ये तो हुए इसके कुछ ऊपरी बेनिफिट्स, पर बेसिकली इसके सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं आपको लिस्ट करती हूँ। टी ट्री ऑयल एक्ट्स एज अ सैनिटाइजर एंड एन अमेजिंग क्लेंजर। तो कोई भी सर्फेस हो आपके घर में, इस टाइम पे आप चाहते हैं कि वो क्लीन हो, सैनिटाइज हो। एंड इफ यू कैन नॉट गेट अ सैनिटाइजर विच हैज ऑलरेडी गॉट अ टी ट्री ऑयल कॉन्टेंट इन इट टू इंक्रीज योर पोटेंशियल टू गेट रिड ऑफ ऑल द इन्फेक्शंस, देन आई हैव शेयर्ड वन ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। वो आपको मेरे पेज पे मिल जाएगा, या फिर साक्षी खन्ना डायरीज के नाम से आप सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम पे आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। सो यू कैन हेड टू दैट हैंडल एंड सी हाउ आई हैव मेड अ होम मेड सैनिटाइजर विच इज़ वेरी इफेक्टिव एंड यू कैन यूज इट एनी वेयर यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ऑल द जर्म्स। सेकेंडली, इट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ द डैंड्रफ ऑन योर स्कैल्प। इस टाइम पे आपको मॉनसून में हो जाता है डैंड्रफ, और अगर आपके मेरी तरह ऑयली हेयर है तो हाफ एन आवर आप किसी भी ऑयल में जो आप यूज़ करते हैं उसमें टी ट्री ऑयल के एक या दो ड्रॉप्स डाल के और उसको मिक्स करके अपने स्कैल्प में मसाज कर लीजिए, और उसके बाद आप उसको रिंस कर दीजिए। एंड देन यू विल सी ओवर द टाइम, एक बार में नहीं होगा, बट ग्रेजुअली यू विल गेट रिड ऑफ द डैंड्रफ। एंड इफ यू कैन नॉट डू दैट, देन यू कैन यूज इट इन योर शैम्पू। यू एड वन और टू ड्रॉप्स इन योर शैम्पू एंड देन गेट रिड ऑफ इट। या फिर मार्केट से अवेलेबल हो तो दैट्स द बेस्ट थिंग, यू कैन गेट इट फ्रॉम द मार्केट एंड यूज द शैम्पू दैट हैज ऑलरेडी गॉट टी ट्री ऑयल इन इट। थर्डली, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को ये बूस्ट कर देता है और उसको वर्क करने के लिए इम्पिटस देता है। तो ये अगर आपको कोई भी वूंस हैं, कहीं पे भी कट्स हैं, जैसे मेरे यहाँ पे कट है अगर आपको दिख रहा हो, तो वो टी ट्री ऑयल को मैंने ना इस पे लगाया थोड़ा थोड़ा, काफ़ी डीप कट था, तो ग्रेजुअली इट गॉट रिपेयर्ड और अब दर्द नहीं हो रही मुझे इस पर। आपको लग रहा होगा निशान है, बट अब इट इज़ नॉट हर्टिंग मी, सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन दैट। और एक आधा ड्रॉप लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड यू कैन पुट अ बैंडेज ऑन इट ताकि वो हट नहीं जाए। सो यू कैन यूज इट इन अ फॉर्म ऑफ गेटिंग रिड ऑफ ऑल द रेडनेस दैट हैज़ बीन कॉज ऑन योर फेस, द रैश दैट यू गेट ऑन योर बॉडी उसको भी हील कर देता है। आप अपने लोशन में या नहाने के पानी में एक दो ड्रॉप डालें और उससे बेथ करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इफ़ यू वॉन्ट, यू कैन यूज इट एज फंक्शन इसका है टू गेट रिड ऑफ द एक्ने। इफ़ यू कैन सी, आई हैव अ ब्रेकआउट हेयर, और मेरे को ना इतना पेनफुल था, इट वॉज सो मैसिव दैट आई कुडंट इवन मूव माई माउथ। तो आई अप्लाइड इट एंड इट स्टॉप इट फ्रॉम एग्रीवेटिंग एंड उसको थोड़ा शांत कर दिया इसने। तो इसको डायल्यूट करके यू अप्लाइड ऑन इट एंड जो फेस पे निशान रह जाते हैं, जो रेडनेस आफ्टर द पिम्पल इज गॉन उसका, क्योंकि स्किन इतना स्ट्रेच होता है, इतना कुछ उसके साथ हुआ होता है बिकॉज ऑफ द पिम्पल, इट लीव्स अ मार्क। सो दिस टी ट्री ऑयल विल हेल्प इट रिकवर फ्रॉम द मार्क ऑल्सो। एंड यू कैन यूज टी ट्री ऑयल एज अ मस्किटो रेपेलेंट। यस, सो देर आर सो मैनी जर्म्स अराउंड, कितने सारे इंसेक्ट्स हो रहे हैं बारिश की वजह से। तो अगर आप टी ट्री ऑयल को अपनी बॉडी पे लगाएंगे, उसको किसी भी चीज़ में मिक्स करके लाइक आई सेड, तो वो आपको मस्किटो बाइट से भी बचाएगा। एंड यू कैन यूज इट एज अ डिओड्रेंट। सो इट इज़ कंसिडर्ड टू लाइक, जो बैक्टीरिया होता है ना बॉडी पे, उसकी वजह से हमारे स्किन पे स्मेलीनेस आती है, जो हमारे ग्लैंड्स में से स्वेट निकलता है उसमें नहीं होता कुछ भी
स्मेल जो बैक्टीरिया स्किन के ऊपर होता है वो जब उस स्वेट से मिल जाता है तब हमारे अंदर से वो स्टिंक आने लगती है और ये टी ट्री ऑयल उसको हटा देता है. व्हेन यू अप्लाई इट ऑन योर आर्म पिट्स देन यू कैन सी कि वो इट एक्ट्स एज अ डिओड्रेंट और आपको वो बैक्टीरिया को किल कर देता है. इसीलिए आपको कोई भी स्मेल कोई भी इस तरह का फाउल फ्रेग्रेंस नहीं आता. So these were the few benefits which I mentioned. और ये सारे आप uses कर सकते हैं but before using tea tree oil, कई बार कई लोगों की skin में कुछ issues होते हैं तो I would suggest you always take a patch test. आप अपनी skin पे किसी भी area पे back of your hand or anywhere on your elbow put it and check whether it's okay. आपको कोई से reaction तो नहीं हो रहा है and then start using it. And I would suggest कि आप इसको diluted form में use करें क्योंकि ये काफ़ी strong होता है तो directly आप इसको अभी apply मत करें. Use it in a diluted form as I have stated कि आपको जितने भी चीज़ें मैंने बताई उनको dilute करके ही use करने के लिए बताएं because these things essential oils are very concentrated. So you can use them only when you dilute. So hope you like the video and keep watching them and enjoying. Until next time, take care, love you all, bye bye.